खट्टर के करीबी के साथ खेल की कहानी का हो गया खुलासा। खट्टर के खासम खास के साथ तीन मंत्रियों ने किया खेल। पूर्व मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर लगवा दी 4 घंटे में रोक। राजेश खुल्लर के साथ रात 12 बजे हो गया खेल। कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाली नियुक्ति को लेकर हुआ खेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति के आदेश पर नाटकीय ढंग से रोक लगा दी गई। प्रदेश के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने रात करीब 8 बजे रिटायर्ड IAS राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाने का आदेश जारी किया था। इसमें उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया था। हालांकि 4 घंटे के बाद ही रात करीब 12 बजे दूसरा ऑर्डर जारी हो गया, जिसमें लिखा गया कि मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। यह घटना ऐसे दिन हुई जब CM नायब सिंह सैनी दिल्ली गए हुए थे। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी अब सामने आ गई है, जिसमें पता चला है कि जब देर शाम उनकी नियुक्ति के ऑर्डर जारी किए गए तो कैबिनेट के 3 सीनियर मंत्रियों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। तीनों मंत्रियों ने राजेश खुल्लर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने का विरोध जताया। उनका कहना था कि हम चुनाव जीत कर आए हैं, वहीं अधिकारी को बैठे बिठाए ही ये दर्जा दिया जा रहा है, जिसके बाद आदेश वापस ले लिए गए। हालांकि सरकार खुल्लर की नियुक्ति जरूर करेगी। इसके लिए अब बिना कैबिनेट रैंक के ये ऑर्डर आज या कल जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि राजेश खुल्लर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गुड बुक में है। खुल्लर 31 अगस्त 2023 को रिटायर हुए और रिटायरमेंट के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया था। तब उन्होंने 1982 बैच के सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी DSढेसी की जगह ली थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया CM बनाया था, तब भी राजेश खुल्लर उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। लेकिन 4 ही घंटे में राजेश खुल्लर की नियुक्ति पर लगी रोक के बाद पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है।